स्वागत है द देसी ब्लॉगर में। गाइस दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं द देसी ब्लॉगर। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग है दोस्तों गौरीकुंड टू केदारनाथ। इस टाइम हो रहे हैं रात के 2 बज रहे हैं। हम लोग 3 बजे से हम लोग यात्रा अपना स्टार्ट करेंगे गौरीकुंड टू केदारनाथ फुट ट्रैक, मतलब पैदल यात्रा। यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर बताया जाता है, मगर दोस्तों यहाँ से लोग बता रहे, जो लोग वापस आ रहे हैं यात्री ऊपर से आ रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि वहाँ से लोग, गाइस दोस्तों 16 किलोमीटर लिखा नहीं है, वहाँ से आपको 20 किलोमीटर ऊपर जाना है। तो हम लोग यात्रा करेंगे, आपको लाइव दर्शन कराएंगे केदारनाथ बाबा का। तो आप लोग फिलहाल इस ब्लॉग में बने रहिएगा, ये ब्लॉग बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और इससे पहले आप लोग ब्लॉग नहीं देखे होंगे अगर ऋषिकेश से केदारनाथ कैसे आना है, तो वो भी ब्लॉग आप लोग वॉच कर लीजिएगा, मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो गाइस दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो पर न्यू आया हो तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस दोस्तों, मिलते हैं यात्रा में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं केदारनाथ बाबा का यात्रा स्टार्ट करते हैं। बहुत ठंड है गौरीकुंड में इस टाइम, तो आप लोग फिलहाल आइएगा तो स्वेटर लेके आइएगा और जैकेट जरूर लेके आइएगा और अपने खाने के लिए सामान जरूर लाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 बजे से चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग केदारनाथ बाबा का। ये हमारे महाकाल की, ये देखिए 4 बजे से चढ़ाई हो रहा है ऊपर, 4 बजने वाला है। दिन हो या रात, आप कभी भी चढ़ाई कर सकते हैं। ये देख रहे सामने जो पिट्टू लोग जा रहे हैं, ये लोग यहाँ से ऊपर जाना है केदारनाथ बाबा के द्वार तक बैठा ले जाते हैं। ये देखिए खाई, तो आप देख सकते हो हम लोग थोड़ी दूरी चले हैं, घर बने हुए हैं हम लोग की हालत। और ये देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। आप दिन हो या रात कभी भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। सुबह का सबसे अच्छा टाइम होता है, जिससे धूप भी नहीं लगेगा और प्यास भी नहीं लगेगा। सुबह सुबह इस पिट्टू बैग का भी मज़ा ले सकते हैं और घोड़े का भी मज़ा ले सकते हैं। तो गाइस जब भी चढ़ें, स्वेटर ले लें, जूते ले लें, और ठंड है। घोड़े से भी जा सकते हैं, घोड़े का चार्ज है 2500-2600 गौरीकुंड से केदारनाथ बाबा के द्वार तक। ये सब देख सकते हैं, मिलते हैं बाबा, चलते हैं। वहाँ पर भोलेनाथ है। अभी हम लोग 5 किलोमीटर चढ़ चुके हैं, अभी 14 किलोमीटर और बाकी है। ये पूरा पहाड़ियों के बीचों बीच में है, आप देख सकते हैं। इस टाइम 5 बज गए हैं और हम लोग चढ़ रहे हैं। भोलेनाथ ने हमें एक रास्ते में आराम कर रहे थे तो हमें एक डंडा मिल गया है, लाठी चढ़ाई करने के लिए, जिससे आसानी होती है चढ़ने के लिए। यहाँ बहुत ठंड, बहुत ठंड, और चढ़ाई करनी है। जय भोलेनाथ। तो गाइस दोस्तों, चढ़ाई करते करते हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत ही खड़ा चढ़ाई है, बहुत ही खड़ा चढ़ाई है। आप लोग हल्के में ना लीजिएगा, अभी उतने ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है दोस्तों, बहुत ऊपर जाना है। चढ़ाई तो है, मगर एक खूबसूरत पहाड़ को देखकर पूरा दुख दर्द ख़त्म हो जाता है। महाकाल का नाम लेकर चढ़िए, कोई दूरी आपको दूर नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो हम चलते चलते थक चुके हैं, सोचे हैं आराम कर लें। ये देख सकते हैं वहाँ से झरना, यहाँ से आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। एक आपको झरना दिख रहा होगा सामने, झरने भी आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। बने रहिए ब्लॉग में खूबसूरत पल को देखने के लिए।
तो गाइस आप देख सकते हो केदारनाथ बाबा यहाँ से अभी 11 किलोमीटर है। यहाँ से चलते चलते हम लोग थक चुके हैं और जैसा लग रहा है कि गाइस दोस्तों ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग कपूर लिए थे नीचे उसी को सुंग सुंग कर मतलब चल रहे हैं ऊपर। आप लोग बहुत ही खड़ा चढ़ाई है, बहुत ही खड़ा, बहुत ही लेवल ऊपर बहुत ही कम हो गया। मगर दोस्तों ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए ठंड भी है, मगर गाइस दोस्तों अगर आप ऊपर चलेंगे तो आपको पूरा ठंड गायब हो जाएगा चढ़ाई करते वक्त। लोग आ भी रहे हैं ऊपर से यात्रा करके, हम जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। ये देख सकते हो GMBN, आप लोग सुने होंगे या देखे होंगे साइट पर, उससे आप बुकिंग कर सके, यात्रा स्टार्ट कर सकते हो, रूम भी बुकिंग कर सकते हो बीच बीच में रुकने के लिए, बारिश वरिश आना जाए अभी यार वो दिखो। तो एक नीचे भी रूम बना हुआ है, GMBN से ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हो। ये देख सकते हो एलाउंस के लिए लगा हुआ है, यहाँ पे घोड़े सबका स्टॉपेज रहता है जो आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। वाईफाई जोन यहाँ पे है बगल में, बहुत ही खतरनाक खाई है, रास्ते हैं जगह जगह पे बैठने के लिए बना हुआ है, आप लोग बैठ के आराम कर सकते हो। ये यहाँ पे घोड़े सब खच्चर सब यहाँ से रुकते हैं और यहाँ से चलते, तो हम लोग कुछ दूरी तय कर चुके हैं। नेचुरल हवा मिल रहा है, नेचुरल हवा, बेहद ही खूबसूरत हवा, मन प्रफुल्लित हो गया है गाइस, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत गाइस दोस्तों। मगर दोस्तों खच्चर सब घोड़े सब बहुत ही मतलब बहुत ही बाथरूम किए हैं तो बहुत ही महक रहा है, मगर सफाई भी चल रहा है। ये देख सकते हैं भैया, बेहद ही खूबसूरत जगह मिलेगा गाइस, आप देख सकते हैं 30 रुपये का चलना है, विश्वास ही नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी आप नीचे से आएँ तो पूरा सामान खाने की व्यवस्था पूरी तरह से लाएँ। और यहाँ पे चाय एक गिलास है गाइस 30 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, स्पेशल दूध का 50 रुपये, बहुत महंगा सामान है, बहुत महंगा। 200 गाइस जो हमें स्टिंग मिलता है नीचे 20 रुपये का, यहाँ पर 200 रुपये मिल रहा है। तो आप जब भी आएँ सभी खाने का सामान नीचे से लाएँ, नीचे से बहुत ही दुगुना रेट मिल रहा है। तो चलिए हम लोग का सफ़र स्टार्ट करते हैं, हम लोग यात्रा अपना स्टार्ट करते हैं। जय केदारनाथ बाबा, बिल्कुल ही खतरनाक है ये, बहुत ही खतरनाक। अभी हम लोग को उस कोने में जाना, वो देख रहे सामने सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, खड़ा चढ़ाइए, बहुत ही खड़ा चढ़ाइए। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, इस ब्लॉग को वॉच करते रहिए, देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत। मिलते हैं ब्लॉग में। वो है महाकाल का मंदिर, वो वहाँ आप देख रहे होंगे, वहाँ आप उतर हम लोग को जाना है, इस रास्ते से हम लोग होते हुए उस रास्ते से हम लोग जाएंगे वहाँ पे, ऐसे ऐसे हमको वहाँ पर हम लोग जाएंगे गाइस। देख सकते हो चलते चलते ये आप देख सकते हो बहुत ही डेंजरस पहाड़ है, ये ऊपर देख सकते हो ये केदारनाथ बाबा जा रहा है हेलीकॉप्टर, अभी बादलों में छिपा हुआ है पहाड़। तो हम लोग समझ लीजिए हम लोग अभी स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, बादलों के बीचों बीच पहुंच चुके हैं, हमें बादलों ने घेरा हुआ है, एक बेहद ही खूबसूरत जगह पे, बहुत ही खूबसूरत जगह है केदारनाथ बाबा का द्वार, आप लोग जरूर आइए, बहुत ही नेचुरल हवा मिल रहा है, नेचुरल हवा, प्राकृतिक हवाएँ मिल रही हैं, प्राकृतिक हवा। जगह जगह पर घोड़े खच्चर को रुकने के लिए, उनको भी आराम करने के लिए जगह बनी हुई है, ये सब जगह बनी हुई है। नीचे भी कैंप देख सकते हैं, कैंप लगा हुआ है यात्रियों को आराम करने के लिए। अबे कहीं रुको यार, आप ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ये देख सकते हैं दोनों चलते चलते यहाँ पहुँच गए हैं, एक खूबसूरत झरना हमको
हमें अभी देखने को मिला है। सुनने में आता है कि ये झरने जब बारिश होते हैं तो हम लोग जब यहाँ से जाते हैं गुजरते हैं तो बीच उससे रास्ते के बीच से ही झरने जाते हैं। तो अभी बारिश नहीं आ रहा है, लोग यहाँ पे पिक ले रहे हैं, बहुत सारे फ़ोटो ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये एडवेंचर से कम नहीं है। बिल्कुल अद्भुत जगह है, बिल्कुल अद्भुत जगह है। यह देख सकती हूँ कुछ दूरी हम लोग तय कर चुके हैं। ये देख सकते हैं पहाड़ों से झरने आ रही है, पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। यहाँ पे आप पानी पी सकती हो, अमृत से कम नहीं। गाइस दोस्तों केदारनाथ बाबा का पहाड़ चढ़ाई कम मत समझिएगा, बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है, बहुत ही खड़ा चढ़ाई है, बहुत ही खड़ा। तो फिलहाल आप लोग ब्लॉग में बन रही है, अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कहाँ से वॉच कर रहे हो, और शेयर करना मत भूलिएगा जो लोग आना चाहते हैं केदारनाथ बाबा के द्वार। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक पहाड़ है, और घोड़े भी जा रहे हैं। आप लोग यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, और नीचे जो गौरीकुंड है वहाँ से भी आप लोग आ सकते हो। ये देखिए झरने, बेहद ही खूबसूरत झरना पहाड़ों के ऊपर से आ रहे हैं। तो हम लोग आधा दूरी तय कर चुके हैं, यहाँ से हिमालय देखने को मिल रहा है। ये रास्ता जो देख रहे हैं ये घोड़े खच्चर के लिए, या ये क्योंकि इस पर चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, और जो सामने से रास्ता जा रहा है सीधे ये यात्रियों के लिए, पैदल यात्रा के लिए। तो हम लोग घोड़े वाला रास्ता अपना रहे हैं, क्योंकि जो देखते हैं इस रास्ते में क्या मतलब फोन से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और ये बीच में पुल दिख रहा है, वहाँ पर देखना चाहेंगे खाई कैसा दिख रहा है। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ लोग ब्लॉग में बने रहिए एक बेहद खूबसूरत पहाड़ को देखने के लिए। 24 व्यक्ति यहाँ, बहुत ही खूबसूरत झरना उस पुल के नीचे से बह रहा है। चलिए देखते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं इस रास्ते से हम जा रहे हैं, क्या वहाँ से नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये ब्लॉग में हम नीचे आ चुके हैं, बहुत ही खतरनाक ढुलाव है। ये आराम चाहिएगा अगर इस वाले रास्ते से आप लोग, कितना खाई रास्ता है। आप लोग ये पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ये देखिए एक 24 व्यक्ति के साथ 6 खच्चर जा सकते हैं, मतलब 6 गधे। ये देखिए गाइस, तो गाइस ये देख सकते हैं पुल, पुल हिल भी रहा है इसलिए वहाँ पर लिखा है। आप ये देख सकते हैं जैसे लग रहा है कि दूध बह रहा है, अमृत बह रहा है। तो इस पुल पे आने से पहले आप लोग ये नज़ारे को ज़रूर देखिएगा, इस वाले पुल से ज़रूर आइएगा, आने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ से एक खूबसूरत नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। तो हम लोग ईस्ट साइड जाएंगे, ऊपर जाएंगे, देखते हैं कितना खड़ा चढ़ाई है। तो आप इस नज़ारे को देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए, आप ब्लॉग को लाइक करते रहिए। देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ से हम लोग आए थे उस चोटी से, अब हम लोग इस चोटी की ओर से घूमा मतलब घूमते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे। बहुत खड़ा चढ़ाई है, आप लोग देख सकते हो धूप हो चुका है, क्योंकि जब यहाँ धूप होता है तो पहाड़ के पीछे छुप जाता है। तो मौसम साफ़ हो रहा है, आज मौसम साफ़ है क्योंकि आज बारिश नहीं हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हो बादलों के बीचों बीच में ये छिपे हुए हैं। तो हम लोग चल रहे हैं और यात्री लोग भी चल रहे हैं, कुछ लोग पैदल भी चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो रास्ता है ये घोड़े सब के लिए, जो हम लोग आए थे नीचे से वो रास्ता जाके आगे दोनों मिल जाएगा। तो आप लोग फिलहाल ब्लॉग में बने रहिए और इस खूबसूरत नज़ारे को देखते रहिए। आते आते आपको लगेगा जैसे कि आप लोग थक चुके हैं, अब हम नहीं चल सकते हैं, मगर दोस्तों जब हिमालय देखने को मिलता है, बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़, तो ऑटोमेटिक शरीर में ऊर्जा आ जाती है और हम लोग
चल पड़ते हैं। जगह जगह रुकने की व्यवस्था है, आप आराम करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख सकते हो पहाड़ों से बर्फ गल रही है, वो पानी यहाँ से बहकर नीचे से हिमालय में जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं ऊपर बादलों के बीचों बीच हम लोग चल रहे हैं और मौसम आज साफ है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम लोग को चलते रहिए, आपको सामने हिमालय दिख रहा होगा सामने। अभी उस चोटी के पीछे जाना है, उस चोटी के बीचों बीच जाना है जहाँ बाबा केदारनाथ हैं, जहाँ उनका धाम है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और वीडियो में बन रही है, इस ब्लॉग को फुल लास्ट तक वॉच कीजिए और इस जर्नी को एंजॉय करते रहिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाबा केदारनाथ का मैं फुल दर्शन कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको बाबा केदारनाथ का पूरा व्यू। देखिए तो गाइस ये पूरा खाई है, ये देख सकते हैं, यहाँ से केवल पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं और पहाड़ ही, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। बाबा केदारनाथ उतने ऊंचे चोटी पे हैं, अभी हम लोग को उतने ऊंचा जाना है। ये देखिए अभी हम लोग जाएंगे इस रास्ते से। आप लोग इस वीडियो में रास्ता बन रहा है, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत ही खड़ा चढ़ाइए और किस हल्के में लीजिएगा मत, क्योंकि केदार बाबा ऐसे ही नहीं मिलते हैं, तपस्या तपस्या। तो गाइस दोस्तों आप लोग देख सकते हो हिमालय देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आज मौसम साफ है, क्योंकि यहाँ से एक बेहद ही खूबसूरत जगह दिख रहा है। बहुत ही प्यारा सा हिमालय है बाबा केदारनाथ का, महादेव का, ऐसे लग रहा है हम लोग स्वर्ग में आ चुके हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग में बने रहेगा, ये ब्लॉग फर्स्ट है, पार्ट वन है, क्योंकि गाइस दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो पार्ट वन है, पार्ट वन इतना खूबसूरत है तो पार्ट टू चारों तरफ हिमालय आपको देखने को मिलेगा, इससे आपको मन को मोह लेगा। तो गाइस दोस्तों आप ब्लॉग में बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।